वर्ष की तरह इस वर्ष भी कोसली की अनाज मंडी में सुविधाओं की कमी देखने को मिली। बीती शाम तेज हवाओं के साथ हुई हल्की बूंदाबांदी के चलते खुले में पड़ी किसानों की गेहूं की फसल भीग गई। कोसली अनाज मंडी में उठान न होने की वजह से करीब 4.5 लाख गेहूं के कट्टे खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। यह सब उठान प्रक्रिया की कछुआ चाल की वजह से हो रहा है। बरसात ने कोसली प्रशासन के उन सभी दावों की पोल खोल दी है जो उन्होंने खरीद शुरू होने से पहले किए थे। आपको बता दें कि कोसली अनाज मंडी में 3 विभागों हैफेड, वेयरहाउस व खाद्य आपूर्ति के करीब 1.5 लाख गेहूं के कट्टे उठान ना होने की वजह से पड़े हुए हैं। वहीं ट्रांसपोर्टर की माने तो करीब 200 गाड़ियां उन्होंने लगाई हुई हैं, लेकिन प्रशासन के पास उचित जगह नहीं होने की वजह से उसकी गाड़ियां भरी खड़ी हुई हैं। जब यह गाड़ियां खाली होंगी तो आगे के कट्टों को उठाया जाएगा। अब देखना होगा कि संबंधित विभागों की लापरवाही के चलते आढ़तियों व किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई कहां से की जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी, आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।